खबर आजमगढ़ जनपद के थाना रानीसराय के क्षेत्र से जहां सैयद द्वारा बाजार के समीप आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला संयोजक मनोज पांडे के द्वारा दूसरे प्रांतों से ट्रकों बसों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए लंच पैकेट पानी का वितरण किया गया, जिसमें ग्राम कोठिया के सभी नौजवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रवासी मजदूरों को लंच पैकेट वितरण किया। इस कार्यक्रम के सहयोगी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे व नेशनल खबर 9 की ब्यूरो चीफ मनोज पांडे व उनके समाजसेवी टीम को द्वारा पत्रकार बंधु संजय कुमार पांडे मनोज दुबे को अंग वस्त्र सप्रेम भेंट किया गया। इस मौके पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे ने बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को समझाया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर ही कम से कम 14 दिनों तक लोगों से दूरी बनाकर रखें, जिससे कोरोना जैसी महामारी की चैन तोड़ने में हमारा देश कामयाब हो और जल्द से जल्द हम इस जंग को जीत सकें। कार्यक्रम को सफल बनाने में हरि कीर्तन उपाध्याय, अनुपम उपाध्याय, आशुतोष पांडे, राजकिशोर पांडे, आकाश पांडे, लो सिंह, अमन चौधरी, ओंकार, राजबहादुर चौधरी, संदीप चौधरी, प्रवीण चौधरी सहित सैकड़ों समाजसेवियों का योगदान रहा। सर आपका नाम? संजय कुमार पांडे, प्रांतीय संरक्षक आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन और युवा पब्लिक स्कूल के भी हम संरक्षक जी। ये सर जो है लंच पैकेट का वितरण कर रहे हैं, तो ये जो है प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए जो है विशेष तौर से है या और भी लोग जिसमें जो है उनको भी दिया जा सकता है? नहीं नहीं, जो गैर प्रांतों से जो असहाय और गरीब मजदूर जो है जो ट्रकों पर आ रहे हैं। ये सर आगे कब तक जो है इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा? ऐसा है कि जो गैर प्रांतों से आ रहे हैं उसमें हमारे गांव की जो टीम है, जो नौजवान टीम है, जो समाज सेवी है, उनका एक जो है क्रमवार बना हुआ है कि आज यह बांटेंगे कल वह बांटेंगे, इस प्रकार तय हुआ है जी। वह जो है तय के अनुसार लोग अपने में जो तय कर रहे हैं कि भाई आप कल बांटेंगे हम परसों बांटेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। 2 दिन 14 को पांडे जी बांटे हैं, आज बांटे हैं, कल कोई और बांटेगा और मेरे हिसाब से सोमवार को फिर पांडे जी द्वारा जो है पूरी सब्जी और पानी का वितरण किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी सोच है सर, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे कि यह जो है आप लोगों के दिमाग में जो है यह कहां से जो है एक ऊर्जा आई कि आप लोग जो है इस सामाजिक कार्यक्रम को एक समाज सेवा के तहत जो है लोगों को भोजन पहुंचाने का और पानी पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये कहां से आप लोगों को प्रेरणा मिली सर? देखिए, चूंकि मनोज पांडे भी विद्यालय चलाते हैं, सेवा पब्लिक स्कूल चकवारा विद्यालय है, मैं भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ जी। महामारी कोरोना संकट जो है, कोरोना संक्रमण जो हमारे हिंदुस्तान में फैला हुआ पूरे विश्व में है जी, और इस लॉकडाउन में जो हमारे गरीब असहाय मजदूर बेचारे जो लॉकडाउन के कारण जो उनके सामने एक जो भूख की समस्या उत्पन्न हुई जी, यह देख कर जो अंतर में एक जो पीड़ा उत्पन्न हुई जी कि ऐसे समय में, ऐसे विपदा के समय में हमें ऐसे गरीब मजदूरों की मदद करनी चाहिए, यह मानव धर्म है, जन कल्याण का कार्यक्रम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका नाम? मनोज पांडे है। सर आप यहाँ पर जो है लंच पैकेट जो है कब से वितरण करवा रहे हैं? ये पिछले 14 तारीख से जो है यहाँ लंच पैकेट का वितरण किया जा रहा है जी। हमारे आइडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक और हमारे विद्यालय के संरक्षक संजय कुमार पांडे जी की प्रेरणा से जी हमें यह कार्य करने का जी अवसर प्राप्त हुआ जी। और हमारे कोठिया ग्राम सभा के पूरे नौजवान दिन रात लग करके जी यहाँ प्रवास विभिन्न प्रांतों से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए लंच पैकेट पानी की व्यवस्था की जा रही है और सामाजिक रूप से जो लोग जुड़े हुए हमारे गांव के नौजवान हैं वो अधिक से अधिक अपना योगदान इस कार्यक्रम में दे रहे हैं जी। तो ये अभी आगे कब तक ये चलेगा सर? यह जब तक प्रवासी मजदूर आते रहेंगे जी, हमारी कोशिश है जी कि यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहे जी। धन्यवाद।